बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम इराक में पाकिस्तान की एम्बेसी, जो हम अपना घर समझते हैं, हाजिर हुए, और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब इस एक्सीलेंसी अहमद अमजद साहब ने मौजूदा हुकूमत के साबुन के साथ जो MRP का सिलसिला, मशीन रीडेबल पासपोर्ट का सिलसिला शुरू किया, इससे इराक में मौजूद तालिब इल्मों के लिए और गैर तालिब इल्म पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसानी होगी। हत्ता जो खुदा न खास्ता किसी वजह से इल्लीगल हैं, अगर उनको वापस मुल्क जाना है तो उसमें भी आसानी होगी। मैं पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब अहमद अमजद साहब को उनकी इतनी बड़ी कामयाबी पर, और उससे बढ़ के जब से वो इराक में तशरीफ लाए हैं, उन्होंने जवारों के मसाइल और तालिब इल्मों के मसाइल के हल करने में जो तआवुन किया है, उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुबहानहु ताला उनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए, और उम्मीद करता हूँ कि वतन अजीज पाकिस्तान के लिए हम सब मिलकर खिदमत करते रहें ताकि ये मुल्क इस्लाम का सुतून बनकर आगे बढ़े, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर भी पाकिस्तानी अपने मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हो, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इराक की मुबारक सरजमीन पर मशीन रीडेबल पासपोर्ट की सर्विस शुरू होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तालिब इल्मों के लिए इतनी बड़ी मुश्किल को हल किया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।